हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमुस क्रिएशन। यस, मैं आपको एक और एक बात बताने वाली हूँ कि मैं अपना एक एजुकेशन का चैनल ओपन किया है, न्यू चैनल, उसका नाम है सुमुस एजुकेट। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे देखिए कि क्या क्या अपलोड हो रहा है। वहाँ पे मैं अपने मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, एमबीए तो ख़त्म हो गया है, पीएचडी कर रही हूँ मैं अभी, तो उसी के हिसाब से मैं मैनेजमेंट का जितना भी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मुझसे हो पा रहा है उसी को मैं यूट्यूब में वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ। अगर वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चेक कीजिए, और कुछ भी सजेस्ट करना है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि सपोज़ आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है और आपके चैनल इजीली कैसे मोनेटाइज हो सकता है। तो फर्स्ट देर आर सम बेसिक रूल्स, लाइक आपको मिनिमम टेन थाउजेंड व्यूज़ चाहिए। सपोज़ आप 10 या 15 या फिर 2 या 1 जितना भी वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल है उसमें से आपको टेन थाउजेंड व्यूज़ चाहिए, जैसे भी 10,000 व्यूज़ चाहिए, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मिनिमम 1,000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए, और वो भी वन ईयर के अंदर आपको फर्स्ट आपको चाहिए 10,000 व्यूज़, सेकंड आपको चाहिए 1,000 सब्सक्राइबर, एंड थर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है, उसमें आपको चाहिए 4,000 वॉच आवर। तो 10,000 व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएगा, और थोड़ा आपका वीडियो अगर बहुत अच्छा है तो आपको मे बी सब्सक्राइबर भी इजीली मिल सकते हैं, बट 4,000 वॉच आवर करने के लिए आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा इजी ट्रिक है कि वीकली आपको एक शेड्यूल बनाइए, उसी हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से एक एक वीडियो आप अपलोड करते रहिए, और ज़रूरत के टाइम पे आप लाइव जाइए। लाइव अगर जाएंगे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ और आपका क्या वॉच आवर भी बढ़ सकता है। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स टू गेट मोनिटाइज योर अकाउंट एंड द रूल्स, द 3 रूल्स यू नीड टू फुलफिल विद इन 1 ईयर। और एक बात, आपको एक ही कंटेंट रखना है एक ही चैनल पे, जैसे कि पहले मैं अपने चैनल पे रखी थी, पहले एजुकेशन का एक वीडियो छोड़ दी, फिर नेक्स्ट मैं आपको गेम का एक वीडियो अपलोड की, फिर मैं किचन का कुकिंग का कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ, बट वैसा नहीं होता। आपको एक ही कंटेंट रखना है तभी जाके आपके चैनल पर ट्राफिक ज़्यादा आएंगे, नहीं तो लोग पूरा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन से चैनल इसका कौन सा चैनल है और किस दौरान आपको वो फॉलो करेंगे। तो उसी के बेसिस पर अभी मैं अपने लिए एजुकेशन में मैं चाहती, तो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो अगर मैं चाहती तो इसमें ही मैं अपना एजुकेशन का वीडियो भी अपलोड कर सकती थी, बट मैं नहीं की, क्योंकि हमें कोई एक ही कंटेंट रखना है। इसीलिए मैं अपना न्यू चैनल एजुकेशन का अपलोड की हूँ, ओपन की हूँ, उसका नाम है सुमुस एजुकेट। इफ़ यू गेट टाइम प्लीज़ गो टू दैट चैनल, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू गिव any suggestion, then please give me some suggestions. Sorry, if you want to give some suggestions to me, please give me. नेक्स्ट बात क्या था यूट्यूब के लिए, हाँ, कॉन्टेंट आपको एक ही रखना है, और वीडियो का साइज़ थोड़ा कम कीजिए, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लोगों के पास होता नहीं है तो वो आपके वीडियो देखेंगे भी नहीं ज़्यादा टाइम के लिए। और वीडियो न्यूली अगर अपलोड कर रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाइए, शॉर्ट टाइम के लिए बनाइए, सो दैट लोगों को इजी होगा देखने के लिए। अगर शॉर्ट टाइम का वीडियो और अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लोग उसको ईजीली देखेंगे। नेक्स्ट इज़ कोई भी गाना, जैसे कि आप अपना वीडियो बना दिए, वीडियो बनाने के बाद कोई भी गाना उसमें मत डालिए, नहीं तो वो कॉपीराइट के अगेंस्ट चला जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट चला जाएगा, और आपका वीडियो कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, और ज़रूरत के टाइम पे वो लोग आपके वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ एनी सॉन्ग। नेक्स्ट, डोंट अपलोड एनी हार्मफुल वीडियो, डोंट अपलोड एनी हेट स्पीच, एंड कोई भी हैरेसमेंट की वीडियो भी आप अपलोड मत कीजिए। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।